दोस्तों, मैं समीर रायचूरकर मुंबई से, इंटरनेशनल लेवल पे मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में हूँ, मुंबई कोऑर्डिनेटर पे। हम लोग यहाँ पे बैंड्रा रिक्लेमेशन नरगिस दत्त नगर में 200 फैमिली को हम लोग ने शहरी कवर किया है, माशाल्लाह 200 फैमिली को हम लोग शहरी दे रहे हैं, और वो लोगों के साथ में हम लोग काफ़ी लोगों को राशन दिया है, और उसके बाद में हम लोग डेली 1200 से 1500 लोगों को हम लोग खाना और पानी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, माहिम, दादर, माटुंगा, बैंड्रा, खार, सेंटा क्रूज, जुहू, अपना बैंड्रा स्टेशन वगैरह काफ़ी जगह हम लोग जाते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसमें हम लोगों को जो सहयोग कर रहे हैं, माशाल्लाह पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको सपोर्ट किया है, और जितने भी काफ़ी अधिकारी लोग हैं यहाँ के, जैसे हमारे नगर सेवक हो गए, हमारे MLA हो गए, ये लोग भी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों को काफ़ी जगह से मदद आ रही है, जैसे अपना तुम्हारा सेवा मेमन ट्रस्ट की तरफ से, और काफ़ी लोगों की तरफ से जो मदद आ रही है, वो लोगों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सारे लोगों का। और ये इसी काम को लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और आगे से आगे काम करें। लिहाजा सबसे पहले तो समीर भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता मगर उस दिशा को लेके जा रहे हैं, वो अपनी अपने लेवल से इस दिशा से ले जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स को, कि लोगों को जहन में ह्यूमन राइट्स का नाम चढ़ने लगा है। ये इस एरिया में काफ़ी जगहों पर लोगों की शुरू से सेवा कर रहे हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हमारे मोदी जी ने डन किया था, उसी दिन से ये लगे हुए हैं, कच्चा खाना बांट रहे हैं रोजाना। ये लोग 1500 से 1200 लोगों का पका हुआ खाना बांट रहे हैं। अभी शहरी जिस दिन से रमजान शुरू हुआ है, शहरी का सामान ये लोग डेली बांट रहे हैं। इसके लिए मैं इनकी पूरी संस्था का, ह्यूमन राइट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपने ऐसे आदमी को यहाँ पे चुना जो आपके जमीन वाले काम को आसमान पे लेकर जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे CM साहब जो शेर दिल है, जिनकी बातें सुनकर हमारा सीना 56 इंच का रियली हो जाता है, मैं उनकी कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने सबसे पहला कदम यह उठाया कि लोगों को, गरीब लोगों का तक अनाज पहुँचाना शुरू किया उन्होंने, इसके लिए धन्यवाद CM साहब का, महाराष्ट्र के CM साहब। दूसरा कदम उन्होंने ये उठाया कि जो लोग हिंदुस्तान महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए हैं कमाने के लिए, जो लोग यहाँ पर परेशानी बता रहे, वाकई में उनको परेशानी सिर्फ उनकी फैमिली से मिलने की फैमिली परेशानी है, अनाज खाना पीना उनको सब बराबर हमारी हुकूमत दे रही है, सिर्फ उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको उनकी हुकूमत से मिलना, उनकी फैमिली से मिलना है। जो ये कदम हमारे CM साहब ने उठाया, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। पूरी टीम माशाल्लाह, हम लोग पूरी रात भर जाके लोगों को 3 बजे से शहरी बांटना चालू करते हैं। 3 बजे से हम लोग अपने आप की जो ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रख के एक एक लोगों के घर पे जाके हम लोग एक एक 200 पूरी फैमिली है, 200 फैमिली को हम लोग एक एक घरों पे जाके हम लोग राशन, अपना शहरी का पूरा सामान प्रोवाइड करके आ जाते हैं, जिसको हम लोग को बांटते बांटते बच जाते हैं 5। उसके बाद में हम लोग, हाँ दिक्कतें आती है, पर हमारे जो बैंड्रा के सीनियर साहब है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे मदद पहुँचाना चाहते, हमको थोड़ा सा सपोर्ट करिए कि खाली जब हमारा खाना बन जाए हमको जाने और आने तक का परमिशन दीजिए, बिकॉज जो एरिया में मैं रह रहा हूँ वो एरिया ऑलरेडी लॉकडाउन पूरा सील है। फिर हाँ जी, उसके बावजूद भी हमारे सीनियर साहब ने हमको परमिशन बोले कि ठीक है, जब आप खाली सम टाइम के लिए आप निकला करो बांटने के लिए, आप लोग फौरन अंदर हो जाएगा। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारे सीनियर साहब का। कि मैं धारावी से बिलोंग करता हूँ, और समीर भाई से हमारी बांद्रा में काफ़ी दिनों से मुलाकात है, तो हमारे को भी एक चाह रहती है कि लोगों की तकलीफ ज़्यादा, लोगों की मदद करने की, कैसे किसके साथ खड़े रहना तकलीफ में। तो अभी जो लॉकडाउन का, और सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया में, देश नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ का दौर चल रहा है, तो हमने भी कोशिश की कि कैसे बेसहारों की मदद की जाए। समीर भाई माशाल्लाह बैंड्रा लेवल पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, इनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हम भी धारावी लेवल पे तो काम कर रहे हैं। हमारी धारावी लेवल पे संस्था है धारावी नागरिक सेवा समिति, हमारी धारावी नागरिक सेवा समिति संस्था है, उस लेवल से हम काम कर रहे थे। तो पहले जो कच्चा राशन, पहले कुछ दिनों तक पक्का राशन बांट रहे थे, तो जो लेबर क्लास लोग हैं उन तक का पहुंच रहा था, लेकिन बाद में नज़र पड़ी कि जो फैमिली वाले लोग हैं रोड पर आके खाना नहीं ले सकते, धक्का मुक्की नहीं कर सकते, तो हमने उनके घर राशन पहुंचाने का काम